और ये रहा A7 बिल्डिंग। तो A7 बिल्डिंग के बारे में बताओ भाई। A7 बिल्डिंग को मोस्टली फिजिक्स वालों ने कैप्चर करके रखा हुई है। वैसे तो बहुत सारे बिल्डिंग्स में फिजिक्स वाले लैब्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, बट A7 बिल्डिंग को पूरा फिजिक्स ने कैप्चर कर रखा है, जिसमें फिजिक्स वाले लोग बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं। जनरली कोई IIT में एकेडमिक बिल्डिंग में डांस और डिफरेंट मूवीज देखना और ये सब नहीं कर पाते, बट हम फिजिक्स वाले कर पाते हैं क्योंकि उन्हें कैप्चर कर लिया। यहाँ पर बेसिकली कुछ क्लासेस लगती हैं हमारी, एंड ऊपर है लाइब्रेरी इसके ऊपर, एंड उसके ऊपर है कंप्यूटर लैब। है छोटा सा, दो ही फ्लोर है, पर फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ जो आता है, जो रहता है, वो चेंज होके जाता है बहुत ज़्यादा। यस। और अगर आप IIT मंडी कैंपस आते हैं तो आपको पता चलेगा कि लोग बाग क्यों चेंज हो जाते हैं, बाकी लोग बहुत चेंज। फिर भी मैं ऊपर जा रहा था, लेकिन फिर टाइम भी हो रहा था, टाइम भी अच्छा हो गया नहीं है, मैंने सोचा भाई वाइस डिसीजन लेते हैं। अकेले ट्रैकिंग भाई मतलब समझ रहा हूँ, बहुत जोखिम है और सब चीज। हाँ, ये फर्स्ट हॉस्टल है साउथ कैंपस एक्चुअली में IIT। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन इन अ न्यू व्लॉग। तो बहुत दिनों बाद ये रियलाइज़ किया कि इतने ब्लॉग्स बना लिए हमने पर कैंपस टूर तो बनाए ही नहीं, एंड सिंस न्यू एडमिशन भी होने वाले हैं तो चलिए आप लोगों को कैंपस दिखाते हैं। तो अभी हम बैठे हैं साउथ कैंपस में, एंड मेन गेट से एंटर करने के बाद सबसे पहले हमको गार्ड पोस्ट मिलता है यहाँ सामने, एंड उससे पहले हैं हमारे पास दो बैंक SBI एंड PNB। तो अभी आगे चलते हैं। तो आज हमारे साथ हैं उमा भाई, हाय, एंड आकाश जो हमको इस टूर में गाइड करने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पर है एक बस स्टॉप, तो मंडी से साउथ कैंपस एंड नॉर्थ कैंपस से साउथ कैंपस में जो बसेस आती हैं यहाँ पर रुकती हैं। इसके आगे भी दो बस स्टॉप हैं, एंड उसके आगे है OAT, एंड तो इस रूट को तो हम कवर नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक ब्यूटीफुल सा प्लेस, ये है फिश पॉन्ड। यहाँ पे मछलियाँ हैं कुछ, और ये रहा A7 बिल्डिंग। तो A7 बिल्डिंग के बारे में बताओ भाई। A7 बिल्डिंग को मोस्टली फिजिक्स वालों ने कैप्चर करके रखा हुई है। वैसे तो बहुत सारे बिल्डिंग्स में फिजिक्स वाले लैब्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, बट A7 बिल्डिंग को पूरा फिजिक्स ने कैप्चर कर रखा है, जिसमें फिजिक्स वाले लोग बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं। जनरली कोई IIT में एकेडमिक बिल्डिंग्स में डांस और डिफरेंट मूवीज़ देखना और ये सब नहीं कर पाते हैं, बट हम फिजिक्स वाले कर पाते हैं क्योंकि उन्हें कैप्चर कर लिया। तो अब यहाँ पर बेसिकली थोड़ा बहुत कार पार्क्स होता है फैकल्टीज़ का, एंड ये रहा ग्रिफॉन कैंटीन। तो यहाँ पर आप स्नैक्स एंड ऑल कर सकते हो। तो इसके बाद हमारे सामने आते हैं दो रास्ते, तो ये वाला रास्ता मेनली एकेडमिक बिल्डिंग्स की तरफ जाता है, एंड यहाँ पर लाइब्रेरी एंड ऑल है। तो सबसे पहले हम लोग इसको कवर करते हैं, इसके बाद ग्राउंड से होता हुआ हम वापस आएंगे। तो ये जो बिल्डिंग है इसको बोलते हैं AMRC, एंड एडवांस मटेरियल रिसर्च सेंटर। यस, जिसमें बड़ी बड़ी मशीनें हैं, हाँ, जिनको छूना भी अलाउड नहीं लगते। हाँ, एंड ये वाला बिल्डिंग थोड़ा सा स्पेशल है, बहुत महंगा बिल्डिंग ये है। ये कह सकते हो घर आ जाएगा। हाँ, कितना? क्या 80,000 के? अच्छा, उसका रेफरेंस दे रहे हैं कि पूछ रहे हैं। तो बेसिकली ये कह सकते हैं कि साउथ कैंपस का, यहाँ ये साउथ कैंपस का सबसे महंगा बिल्डिंग है। यहाँ पर बेसिकली फॉर डिज़ाइन एंड फैब्रिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर्स और दूसरी चीज़ें बनती है। हाँ, यहाँ पर फैब्रिकेशन होता है और ये सब भी चीज़ें बनती है, पता नहीं क्या क्या बनता है, बहुत सारा बनता है। हाँ, करोड़ों की लैब है, एक दो करोड़ नहीं, कई करोड़, 80-90-100 करोड़ इतना। एंड ये है सामने A1
तो यहाँ पर कभी कुछ अलग अलग स्कूल्स का अगर कुछ प्रोग्राम होता है तो बेसिकली इसमें करा देते हैं। एंड यहाँ पर रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे पे फ्लैग होस्टिंग होती है। तो ये है A3 बिल्डिंग एंड ये भी एकेडमिक बिल्डिंग है। एंड इसके सामने है बायोएक्स। इस बिल्डिंग का क्या नाम है? इसका नाम करें, इसको बायोएक्स ही बोलते हैं। बायोएक्स सेंटर को तो A1 कुछ भी ऐसा A से नाम होना चाहिए ना इसका, किसी को नहीं पता। तो शायद बायोलॉजी वालों को पता होगा, मतलब लाइक यहाँ पे बायोटेक का पूरा वर्क होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे वायरस हैं। एंड ये जो दिख रहा है ये है मैकेनिकल वर्कशॉप। अरे भाई ये कहाँ चढ़ा है? तो अभी हम लोग आगे भी मतलब कुछ कुछ बिल्डिंग्स हैं पर उसको अभी कवर नहीं करते हैं, अभी ग्राउंड पे चलते हैं ना। तो आ जाओ चढ़ जाते हैं यहीं से क्या। तो ये रहा ग्राउंड एंड यहाँ पर क्रिकेट का नेट प्रैक्टिस होता है। एंड ये सामने पिच बन रही है और सामने फुटबॉल फील्ड है। एंड ये ब्यूटीफुल व्यू, और ये व्यू देखो ग्रिफिन पीक है। ग्रिफिन, हाँ, इन सब पहाड़ों में चढ़ने में काफ़ी मज़ा आता है, रात में चढ़ने में और ज़्यादा। और ये देखो मतलब पूरा हिल्स से सराउंडेड है। तो अभी कहाँ चलते हैं? अभी चलते उधर चले गए, उधर चले मतलब लाइक ये भी दिखा देते हैं क्या, वहीं से आए जहाँ से अपन यहीं से दिखा सकते हैं, यहाँ से दिखा सकते हैं ना। हाँ पर दिखा दे, वो जो पहले सड़क छोड़ा था वो इधर आती है। हाँ तो वो जो रोड छोड़ा था ना वो यहाँ सामने आके मिलता है। तो अभी ये वो रोड है ग्रिफिन कैंटीन के बगल वाला। एंड ये A5 बिल्डिंग है, यहाँ पर बेसिकली कुछ क्लासेस लगती हैं हमारी। एंड ऊपर है लाइब्रेरी इसके ऊपर, एंड उसके ऊपर है कंप्यूटर लैब। एंड एक्चुअली साउथ कैंपस अभी भी डेवलपिंग है, नॉर्थ कैंपस में बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस हो गए हैं, बहुत सारे एकेडमिक बिल्डिंग्स हैं बड़ी बड़ी, लाइब्रेरी बहुत बड़ी है। तो ये भी टेम्परेरी लाइब्रेरी है यहाँ पे। यस, बाकी काम चल जाता है क्योंकि बाकी समय नॉर्थ कैंपस की लाइब्रेरी चले जाते हैं। बाकी ये G1 ब्लॉक है, वैसे तो ये होना चाहिए था हॉस्टल, बट अभी फैकल्टीज को दे रखा है। और जितने भी G1 ब्लॉक्स हैं उनकी एक खासियत ये है, G1 और B1 ब्लॉक्स, B1, B2, B3, B4 ये सब हॉस्टल्स हैं, पर G1 अभी मतलब फैकल्टीज़ के लिए। और इनकी खासियत ये है कि ये अलग तरीके से बने हैं और इनमें ठंड बहुत कम लगती है। यस, ठंड के समय के लिए बहुत बेस्ट चीज़ है ये। ये अलग ही मटेरियल से बने हुए हैं, अलग ही मटेरियल से बने हैं, जिनको अगर ज़ोर से मुक्का मारे तो दीवारें टूट जाएगी। ये मैरिड कपल्स के लिए है ये वाला ब्लॉक। एंड ये G2 है, ये G2 हॉस्टल है, बहुत फेमस हॉस्टल है ये। है छोटा सा, दो ही फ्लोर है, पर फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ जो आता है जो रहता है वो चेंज होके जाता है बहुत ज़्यादा। यस, और अगर आप IIT मंडी कैंपस आते हैं तो आपको पता चलेगा कि लोग बात क्यों चेंज हो जाते हैं, बाकी लोग बहुत चेंज होते हैं। यस यस यस। तो अभी सामने आ रहा है D1 मैस। ये जब एरियल व्यू देखा था तो ऐसा लगता था कोई ये कोलाइडर वगैरह कुछ होगा सर जैसा, पर बाद में मैस निकला। एक और चीज़ यहाँ सामने है मेडिकल यूनिट, आई थिंक आप देख पा रहे हो, तो बीमार वगैरह होते हो जो कि अक्सर यहाँ पे लोग होते रहते हैं तो यहाँ पे जा सकते हो, यहाँ बीमार कम होते हैं। हाँ कैंपस में कम होते हैं पर सर्दी जुकाम ये सब तो कॉमन है। तो अभी ये है D1 मैस जो कि अभी पूरी खाली है क्योंकि अभी ये बंद है, एक्चुअली सेमेस्टर ब्रेक चल रहा है एंड हम लोगों का अभी आखिरी सेमेस्टर था। तो देखिए सबसे लास्ट में इस ब्लॉग को बना रहे हैं जो कि सबसे पहले बनाना चाहिए था।
एंड ये रहा स्टेशनरी शॉप एंड ग्रोसरी एंड देख सकते हो ये है हमारा बास्केटबॉल कोर्ट। और यहाँ से नया रास्ता है। हाँ, यहाँ से यहाँ पर क्योंकि अक्सर लैंडस्लाइड होती रहती हैं तो जिसकी वजह से सेमेस्टर्स में प्रॉब्लम आती है एंड तो ये नया रास्ता बनाया जा रहा है नॉर्थ टू साउथ को कनेक्ट करेगा जो। यस एंड चलिए अब यहाँ चलते हैं। तो ये वैसे तो टेनिस कोर्ट है पर यहाँ पे अक्सर ही किसी को टेनिस खेलते हुए देखा है। मतलब खेलते हैं लोग, खेलते हैं पर गली गली क्रिकेट कोर्ट बोल सकते हैं इसको ज़्यादा। एंड हे आयुष ब्रो, जस्ट एक व्लॉग कवर करके आते हैं। तू घर चला गया था ना? नहीं, क्या बीमार पड़ गया था। अच्छा, अभी ट्रेकिंग करके आ गया और अब खेल रहा हूँ। और ये है सामने वॉलीबॉल कोर्ट। हाँ, आज कोई नहीं आया यहाँ पे। तो फिर भी मैं ऊपर जा रहा था लेकिन फिर टाइम भी हो रहा था। टाइम भी अच्छा हो गया नहीं है। फिर मैंने सोचा भाई वाइस डिसीजन लेते हैं। अकेले ट्रेकिंग भाई मतलब समझ रहा हूँ बहुत जोखिम है। पेपर मेरा इंटरव्यू हो जाते फिर अपन चलेंगे। बिल्कुल, ज़्यादा होगा तो इसको चढ़ेंगे, ये अपना ब्रीफ चढ़े। कौन? अब मैं कल सोच रहा हूँ उधर जाऊँगा बॉटनी कर। हाँ हाँ, हम लोग खेलेंगे क्रिकेट, लौट के खेलते हैं ना। हाँ, लौट तो ये है बुलबुल कैंटीन एंड ये प्लेस की हमारी अमेजिंग ही मेमोरी रही है। रात रात भर, रात भर तो नहीं मतलब 2-3 बजे तक हम लोग अक्सर बैठा करते थे यहाँ पे। मिस करेंगे हमारा सबसे पहला हॉस्टल है जिसमें हम रहे हैं, B1। इस हॉस्टल की अच्छी बात यह है कि यहाँ से हर चीज़ पास है। यस, पूरे एकेडमिक बिल्डिंग और सब चीज। हाँ, ये फर्स्ट हॉस्टल है साउथ कैंपस में। एक्चुअली मैं IIT का। B1, ये B2 है और साम इसके पीछे B3 है, फिर ये B4 है एंड ये एक और कोर्ट जो कि अभी एक्टिव नहीं है। नदी से आवाज आ रही है। हाँ, पानी के कलकल की। ये एक कैंटीन था मैकपाई जिसको हम लोग ने अपने सेकंड सेमेस्टर में ही देखा था खुला हुआ, उसके बाद से बंद ही है। एंड ये रही D2 मैस जो अभी एक्टिव, ये अभी एक्टिव है। ये भी कोलाइडर है, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। तो अभी ये है B6 हॉस्टल एंड ये रहा B5। हाँ, कैसा कैसा। ओके, तो नीचे देख सकते हो ये काफ़ी सुंदर है। तो मैं भाई कुछ बोलना चाहते हैं पर है बिल्डिंग्स की कि एक बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर दूसरे बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर होता है। ऐसी स्टेप स्टेप में बना है IIT। ये साउथ कैंपस तो 4 ही स्टेप्स में बना है, नॉर्थ कैंपस में 7-8 स्टेप्स होगी। Yes, 7-8 स्टेप्स होगी। तो पहाड़ों को खोद खोद के ऐसे काम चल रहा है। खाली खाली सा ये कैंपस। नाउ अब आता है हमारा हॉस्टल नाको B7।
कुछ तो है कर लेना। ये रहा जी फोर एंड सामने रही जिम एंड बैडमिंटन कोर्ट। चलिए एक बार इसको भी देख लेते हैं। तो ये सामने एक और बस स्टॉप एंड उसके सामने है OAT जिसको आप होली वाले ब्लॉग में देख चुके होंगे या फिर देखने वाले होंगे। एंड ये रही जिम। एंड ये रहा बैडमिंटन कोर्ट। तो अभी कुछ बिल्डिंग्स और रह रही हैं, वो आपको दिखाता हूँ। नाउ ये सारी बिल्डिंग्स हैं फैकल्टी बिल्डिंग को बेसिकली सी कोड दिया गया है ना, C1, C2, C3। तो ये भी फैकल्टी बिल्डिंग है एंड ये देख सकते हो आप। ये वाली मतलब मेरे को पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, ये मैस D3 मैस। एंड सामने है गर्ल्स हॉस्टल B8 एंड बॉयज़ हॉस्टल B9। ये यहाँ पर पार्किंग है एंड ये सलून एंड प्लस एक छोटा सा कैंटीन। दैट इज 14। तो आकाश, इस बिल्डिंग के बारे में कुछ बोलो, क्या खासियत है इसकी? नहीं निकल रहा वहाँ भाई बोलेंगे कुछ नहीं। ये खासियत है कि लड़कियाँ रहती है कैंपस की, सारी लड़कियाँ रहती हैं ऑलमोस्ट सारी एक बिल्डिंग में, इतनी कमी है। हाँ, तो इस चीज़ का कमी महसूस होगा आपको बाकी साउथ कैंपस में। नॉर्थ में नहीं होगा। नहीं, नॉर्थ जेंडर रेशियो IIT पूरे में कम है। हाँ, पूरे IIT में, बट इनफैक्ट यहाँ फिर भी ज़्यादा है। हाँ, एंड और नदी की आवाज़ आ रही है वापस से, उधर तक चलेंगे। हाँ, एक काम करेंगे, कार्तिक के रूम से सामान भी उठा लेंगे तब। अरे ठीक है, चलो ये नदी दिखा दो। हाँ, तो नदी भी देख लीजिए, ये देखो जाना अलाउ नहीं है पर ये देख सकते हो। फोकस हो जा, फोकस। चलिए इस एंगल से देखते हैं। ये देखिए, ये रही नदी। तो नाउ अब ये रहा B9 हॉस्टल एंड यहाँ पर मेनली M.Tech एंड PhD सारे लोग रहते हैं। वाला बता दिया। वो रिटेनिंग वॉल है एक्चुअल में। ये जो हॉस्टल बना हुआ है B9, यहाँ पर तो एक हिसाब से मतलब नीचे ये समझ लो 3 फ्लोर नीचे से फाउंडेशन शुरू हुआ है। तो अब वो सिविल इंजीनियर जाने की वो रिटेनिंग वॉल क्यों होती है, तो ये रिटेनिंग वॉल बना है तब ये हॉस्टल खड़ा है। तो
इस आईआईटी को बनाने में बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत है। हाँ, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत रिसोर्स और प्रॉपर प्लानिंग के साथ बनाया गया है इसको, क्योंकि ये अर्थक्वेक जोन में भी आता है। हमारे डेढ़ साल में हम लोग ने, डेढ़ साल से हम लोग हैं, तीन बार अर्थक्वेक आ गया और एक बार 4.6 था ना शायद, यही 4 से 5 के बीच के ही रिएक्टर स्केल के आए हैं, तो फ्रिक्वेंट है इधर पे। वो पॉइंट जो है ना, इस पॉइंट के बाद से कैंपस दिखना बंद हो जाता है जब बस जाती है, बस जाती है जब। मेनली ये मंडी जाने का रास्ता है यहाँ से, तो जब आप पहली बार आओगे तो इसी रास्ते के थ्रू आओगे। और चाहो तो वो ग्रीफिन पीक से तुम नीचे तक फिसल भी सकते हो। हाँ, इच्छा हो तो पेंट फट जाते हैं बट फिर भी फिसल सकते हैं। तो अभी इसके अलावा तो साउथ कैंपस में इतना ही बिल्डिंग था। हाँ, कुछ बिल्डिंग पीछे और थी पर वो फैकल्टी हाउसेस थी। तो फ़ोन आ गया फिर से। तो ये कुछ झूले लगे हुए हैं फैकल्टीज के बच्चों के लिए, एंड हम भी कभी कभी हम भी झूल लेते हैं। एंड ये नीचे वाला रोड है जो, हाँ मतलब कनेक्ट करता है आपस में हर जगह को। एंड फिलहाल ये था एक बेसिक आउटलाइन हमारा कैंपस का। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें बहुत डिटेल्स में आप यहाँ पर आके एक्सप्लोर कर सकते हो, पर ये एक ओवरव्यू था। तो डेफिनेटली आपको इस कैंपस को ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए, यहाँ पर ज़रूर आइए। नहीं भी एडमिशन मिला तो भी, नहीं भी मिला तो भी आइए, चुपके से आ जाइए, बट इसको घूमना बनता है एक बार। फिलहाल हम लोग कुछ दिनों में जाने वाले हैं, तो बहुत बुरा सा फील हो रहा है कि किसी ने हमारी फैमिली छीन ली हो। जैसे हम लोग 40 थे, अभी हम लोग 4 बचे हुए हैं, पर क्या कर सकते हैं। और जाने वाला अंतिम इंसान मैं हूँ, मतलब इनसे पहले मेरे को जाना था, पर अब प्लेसमेंट जॉब बुला रही है, पर कोई नहीं, जॉब छोड़ के वापस आएंगे यहाँ पे पीएचडी के लिए। ये अच्छा था वो प्लेसमेंट सुन के खुश हो जाएंगे लोग क्या। तो गाइस फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, एंड बाय बाय।